स्वागत, मैं हर्षीतल। और सब तो पहले चात मारी है अजे खास खबर से। गोलीबारी के नाल फिर दहलिया अमेरिका, छह लोगों को गोलियां दे नाल पुन्या, फैली दहशत। वाटरफॉल तो पानी की बजाय डिगदियां हन अग दियां लपटां। बुल्गारिया तो वड्डी खबर, प्रवासियों के नाल भरे ट्रक के विचों मिली 18 लाशा, एक बच्चा भी शामिल। अडानी विवाद के विच कुदे अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरस, कहा पीएम मोदी नूं देना होवेगा जवाब। वीडियो क्लिप तो नाराज ईरान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया रद्द। 17.5 किलो सोने के नाल जड़ित भगवान शिव की 111 फुट की मूर्ति अज होवेगा उद्घाटन। सीएम मान ने पंजाब वासियों नूं शिवरात्रि दी दित्ती वधाई। बीएसएफ नूं मिली वड्डी सफलता, गुरदासपुर के 20 पैकेट हैरोइन, 2 पिस्तौलां ते 242 राउंड गोलियां होईयां बरामद। अमृतसर के पुलिस के नाल मुकाबले के दौरान 2 गैंगस्टर हथियारां सने काबू। सीएम मान अज जलंधर के दौरे ते महालक्ष्मी ते श्री देवी तलाब मंदिर होणगे नतमस्तक। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले के सीईएल टैक्सटाइल दी 828 करोड़ दी जायदादां कीतियां अटैच। मोहाली आरपीजी हमला, पंजाब पुलिस नूं मिली वड्डी सफलता, लंडा दा करीबी गुरपिंदर पिंदू गिरफ्तार। दक्षिणी अफ्रीका तो भारत पहुंचे 12 चीते, C-17 ग्लोब मास्टर जहाज ग्वालियर होया लैंड। निक्की यादव कतलकांड दे विच साहिल गहलोत दे पिता सने 5 लोग होए गिरफ्तार। हुण खबरां विस्थार नाल। अमेरिका दे मिसिसिपी सूबे दे टिट काउंटी दे विच स्थित अरगा बुतला कस्बे दे विच वख-वख थावां ते 6 गोलियां मार के कतल कर दित्ता गया। उत्थे ही इस घटना तों बाद इलाके दे विच दहशत दा माहौल है। अधिकारियों ने इन्हां कतलां दे लई इक व्यक्ति ते दोष भी लगाया। अधिकारियों ने दस्सिया कि कतल दे दोषी नूं गिरफ्तार कर लिया गया। मिसिसिपा डिपार्टमेंट आफ पब्लिक सेफ्टी दे बुलारे बेली मार्टिन ने टेंट टाउटी दे अरगा बुतला दे विच कतलां दी पुष्टि कीती है। काउंटी शेरिफ ब्रैंड लॉस ने स्थानक मीडिया नूं दस्सिया कि इह कतल इक स्टोर अते 2 घरां दे विच होए ने। शेरिफ विभाग दी इक प्रशासनिक कर्मचारी कैथरीन किंग ने कहा कि 52 साल रिचर्ड डेल करम नूं कतल दे दोष दे विच गिरफ्तार कर लिया गया। गवर्नर टेट रीव्स दफ्तर ने भी दस्सिया कि उन्हां नूं गोलीबारी दी घटना दे बारे जानकारी दे दित्ती गई है। एक बयान दे विच रीव्स ने मन्निया है कि इस समय साडा मनना है कि दोषी व्यक्ति ने कल्ले ही अपराध कीता ते उस दे मकसद दा अजे पता नहीं लग सकिया। उधर तुसीं कई वाटरफॉल देखे होणगे, पर कदे वाटरफॉल तों पाणी दी थां अग डिगदी देखी है? शायद नहीं। पर अमेरिका दे योसेमाइट नैशनल पार्क दे विच इक दुर्लभ नज़ारा तुहानूं दिस जाएगा। इस नूं महसूस करन अते इस नूं अपने कैमरे दे विच कैद करन दे लई सैलानी इत्थे पहुंच रहे ने। तुसीं सोच रहे होवोगे कि वाटरफॉल तों अग किवें डिग सकदी है, पर सच विच जदों इह दुर्लभ कुदरती नज़ारा हुंदा है तां इह वाटरफॉल फायरफॉल ही बन जांदा है। रिपोर्ट दे मुताबक कैलीफोर्निया दे योसेमाइट नैशनल पार्क दे विच इक छोटा जिहा झरना जिस दा नां हॉर्स्टल फॉल है, फरवरी दे विचकार अखीर तक जदों सूरज एक खास एंगल ते हुंदा है तां उसदी रोशनी इसदे पानी ते बैकलाइट वांग काम करदी है। इस दे नाल पानी थोड़े समय दे लई चमकीले संतरी रंग दा हो जांदा ते देखण दे विच अजिहा लगदा जिवें कि चट्टान तों पानी दी थां अग दीआं लपटां आ रहीआं होण। इह नज़ारा साल दे विच इक वार दिखाई दिंदा है ते उह वी सिर्फ कुछ मिंटां दे लई। जदों नज़ारा दिसिआ तां इस नूं देखण दे लई हज़ारां दी गिणती दे विच लोक पहुंच गए। कैलीफोर्निया दे विच इन्ना मशहूर हो गया कि पार्क दे अधिकारियों नूं लोकां नूं संभालण विच मुश्किल आ रही है। दर्शकां नूं इह अनोखा लगदा। दुनिया भर तों पेशेवर ते शौकीन फोटोग्राफर इस नूं अपने कैमरे दे विच कैद करन दे लई पहुंच रहे ने। योसेमाइट नैशनल पार्क दे जनतक मामलों दे अधिकारी स्कॉट गैडीमैन ने दस्सिया कि जदों सूरज ठीक 90 डिग्री ते हुंदा ते अद्भुत नज़ारा दिसदा है। इह जादुई पल हुंदे ने। घटना कुछ ही मिंटां तक चलदी अते कई सालां बाद वीरवार नूं नज़ारा दिसिया। तुहानूं दस दईए कि इस वाटरफॉल दे विच पाणी 2130 फुट ते हेठां डिगदा है। सिर्फ सर्दियां दे समें दे विच इह वगदा है ते बाकी दिनां दे विच इह सुक्का रहिंदा है। उधर बुल्गारिया दे विच इक लवारिस ट्रक दे विच 18 लोकां दीआं लाशां मिलीआं ने। बुल्गारिया दे अखबार ट्रूड ने रिपोर्ट दित्ती है कि लोकोर्स्को दे सोफिया पिंड दे विच प्रवासियों नूं लिजा रहे इक लवारिस ट्रक दे विचों इक बच्चे दे समेत घट्टो घट्ट 18 लोक मृतक मिले ने। बुल्गारिया दे गृह मंत्रालय दे अनुसार कुल 40 लोक ट्रक दे विच लुके होए ने, जिन्हां विचों 18 दी हुण तक मौत हो चुकी है ते बचे लोकां नूं मैडिकल इलाज दे लई हस्पताल दे विच पहुंचाया गया। फरार होए ड्राइवरां दी पहचान करन दे लई ऑपरेटिव सर्च कारवाइयां कीतीआं गईआं ने। बेलगूरियन टीवी बीटीवी दे अनुसार लोकोर्स्को पिंड दे नेड़े लवारिस खड़े ट्रक ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 18 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 5 ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰੂਡ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਰਬਪਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਰੋਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀ ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾ ਵਜੋਂ ਧਾਂਧਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ
योजनाबद्ध हमला किया। वीरवार को म्यूनिख सुरक्षा कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदिया सोरस ने कहा कि मोदी को डानिस मूह के दोषों और विदेशी निवेशक संसद के सवालों का जवाब देना होगा। उन्होंने भाषण के उत्ते तिखी प्रतिक्रिया भी आई है। सत्ताधारी भाजपा ने यह भी कहा कि सोरस न सिर्फ प्रधानमंत्री सगो भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में भी निशाना बना रहे हैं। भाजपा आगू केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी ने पत्रकारों से गलबात करदिया कहा कि यह जंग भारत के खिलाफ शुरू की जा रही है। मोदी इस जंग से भारत के हितों के विचाले खड़े ने। उन्होंने कहा कि हर किसी को एक आवाज उन्होंने टिप्पणी की निंदा करनी चाहिए है। ईरानी ने दोष लगाया कि सोरस भारतीय लोकतंत्र को तबाह करना चाहते हैं, सरकार को कुछ चुने हुए लोग द्वारा चलाना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भारत समेत वख-वख देशों की लोकतांत्रिक प्रणालियों के वख दखल देने के लिए एक अरब डॉलर तो भी वध का फंड बनाया। सोरस ने अपने भाषण के कहा कि अडानी समूह के गड़बड़ देश के लोकतांत्रिक पुनर्सुरजीति का दरवाजा खोल सकती है। उन्होंने लगभग 42 मिनट का भाषण जलवायु तब्दीली, रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका की समस्यावान, तुर्की की तबाही और चीन की असफलतावान पर केंद्रित सी। उन्होंने दावा किया है कि मोदी के कारोबारी दिग्गज अडानी नजदीकी सहयोगी ने उन्होंने हित आपस जुड़े हुए हैं। सोरस ने कहा कि अडानी समूह के शेयरों में धोखाधड़ी का दोष है, उसकी कंपनियों से शेयर ताश के पत्ते वांग ढह गए हैं। मोदी इस विषय से चुप हैं पर उन्होंने विदेशी निवेशकों से संसद में सवालों का जवाब देना होगा। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस भारत की केंद्र सरकार से मोदी का दबदबा काफ़ी कमजोर हो जाएगा और जरूरी तौर पर होर संस्थागत सुधारों को अगे वधाउण का दरवाजा खुल जाएगा। सोरस ने भी कहा कि मैं बेसमझ हो सकता हाँ पर मैं भारत में लोकतांत्रिक पुनर्सुरजीति की उम्मीद नजर आ रही है। उधर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुलियान ने अगले महीने भारत का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिता है। वह इतने भू राजनीति आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के शामिल होने के लिए आने वाले ने। जाहिर तौर पर प्रोग्राम के प्रचार के नाल जुड़ी एक वीडियो तो नाराज ने जिस में राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की तस्वीर के नाल विरोध कर रहे ईरानी औरतों की एक छोटी क्लिप दिखाई गई है। इस मामले में विदेश मंत्रालय या फिर इतने ईरानी दूतावास के वलों कोई अधिकारित टिप्पणी नहीं की गई। अब्दुलियान ने 3 और 4 मार्च को आयोजित रईसाना डायलॉग शिरकत करनी सी। सूत्रों के मुताबिक वो इस दौरे पर नहीं सन क्योंकि ईरानी पक्ष को लगता है कि इस वीडियो क्लिप के उन्होंने देश के गलत तरीके दिखाया गया। रायसेना डायलॉग को भू राजनीतिक भू अरब शास्त्र के भारत की महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस मनिया जाता है। यह ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग के नाल आयोजित किया जा रहा है। यह वीडियो 1 मिनट 50 सैकेंड की है और इस यूक्रेन रूस युद्ध के दक्षिणी चीन सागर में चीन के हमलावर रुख और ईरान के औरतों के विरोध समेत वड्डिया विश्व चुनौतियां शामिल ने। ईरान के विदेश मंत्री ने भारत दौरे को लेकर कोई अधिकारित ऐलान नहीं किया। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल महाशिवरात्रि के मौके 111 फुट के सोने के नाल जुड़ी हुई मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। वडोदरा के विचों विच स्थित इतिहासक सुरसागर तालाब के विच स्थापित सर्वेश्वर महादेव की मूर्ति से पिछले काफ़ी समय तो सोने का लेप चढ़ाने का काम चल रहा है। 16 फरवरी को यह काम पूरा होने तो बाद मूर्ति तो पर्दा हटाया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके यानी कि आज मूर्ति का रस्मी तौर पर उद्घाटन करेंगे। इस तो बाद वो महाशिवरात्रि की आरती में हिस्सा भी लेंगे। सर्वेश्वर महादेव की मूर्ति को सोने का लेप लगाने के लिए 12 करोड़ रुपए का खर्च आया। मूर्ति के पिछले 1.5 साल की मेहनत तो बाद विशेष तकनीक के नाल सोने का लेप चढ़ाया गया। मूर्ति पूरी तरह के नाल सोने की बनाने के 17.5 किलोग्राम सोना लगा। यह मूर्ति 111 फुट उची है। मूर्ति के उद्घाटन प्रोग्राम के लिए विशेष लाइनिंग लगाई गई है और भूपेंद्र पटेल ने पिछले साल भी महाशिवरात्रि मौके वडोदरा के सुरसागर तालाब के आरती के हिस्सा लिया। इस वार के प्रोग्राम के मुख्यमंत्री के नाल गुजरात भाजपा के प्रधान सी आर पाटिल भी मौजूद रहेंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के वलों शिवरात्रि के पवित्र त्यौहार के मौके पंजाब वासियों को बधाई दी गई है। मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट करदिया कहा कि भगवान शिवजी सारे ते अपनी कृपा बनाई रखन, सबना दे घर खुशियां खेड़े बने रहन। दसनयोग है कि हिंदू धर्म के शिवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम के नाल मनाया जाता है। शिव मंदिरों के शिवरात्रि दिया बहुत प्याल दिया तैयारियां शुरू हो जाए ने। मंदिरों को खास रूप के नाल सजाया जाता है। लोग शिवरात्रि के व्रत रख के शिव भोले की पूजा करके ये त्यौहार मनाते हैं। उधर घटना गुरदासपुर सैक्टर अधीन आते BOP DBN शिकार की है। सवेरे BSF जवान गश्त कर रहे होंगे ने। इस दौरान हल्की धुंद के 5:30 बजे जवानों सरहद से हलचल देखने को मिली। जवान उस समय अलर्ट हो गए जिस तो बाद पाकिस्तान तस्कर अपनी सरहद वाल पहुंच गए पर अपने नाल लियांदी खेप उत्थे ही छड़ गए। जवानों ने जो सर्च मुहिम चलाई तो उत्थे 12 फुट लंबी पाइप से जिस जरिए हैरोइन की खेप पार करवाया जा सकता है। लंबे कपड़े के खेप में लपेटिया गया। जो उस खोलिया गया तो उस 20 पैकेट हैरोइन 2 पिस्तौल 1 मेड इन टर्की दूजी मेड इन चाइना 6 मैगजीन 242 राउंड गोलियां भी बरामद कर लिया गई।
उधर अमृतसर विच मुकाबले तो बाद पुलिस ने दोवें गैंगस्टरां नूं फड़न दे विच सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने दोवें गैंगस्टरां तों पुछगिछ शुरू कर दी। इन्हां दे विच इक अपराधी है जिसते पहलां ही 5 मामले दर्ज ने, दूजे दे खिलाफ इह मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस कमिश्नर जसकरन सिंह ने दस्सिया कि फड़िया गया इक मुलजम पिंड मत्तेवाल वासी अर्शजोत सिंह उर्फ घुग्गी है ते दूजा उसका साथी मुस्तफाबाद वासी अविनाश है। थाणा सदर दे अधीन आउंदी विजय नगर चौंकी नूं सूचना मिली सी कि कोई दो शक्की व्यक्ति वरना कार दे विच 88 फुट रोड ते घूम रहे ने, जिस तों बाद पुलिस एक्शन दे विच आई है। एसीपी नॉर्थ वरिंदर खोसा ने जानकारी दिंदा दस्सिया है कि जिवें ही पुलिस ने मुलजमा दा पिछा शुरू कीता, दोषी भज्जन लगे। दोषियां ने अपनी वरना कार 88 फुट रोड ते तंग गलियां वल घुमा दित्ती, पर उसकी कार एक होर कार दे नाल जाके टकरा के रुक गई, जिस तों बाद मुलजम कार नूं उत्थे छड़ के भज्जन लगे पर फड़े गए। मुलजमा दे कोलों 32 बोर दी इक पिस्टल ते 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए ने। दोवां दे खिलाफ आर्म्स एक्ट दे अधीन मामला दर्ज कर लिया गया। कार अर्शजोत सिंह दे नाम ते है, जिसनूं बाबा बकाला साहब दे विच रजिस्टर करवाया गया। पुलिस ने जदों अविनाश दा रिकॉर्ड खंगालिया तां इह मामला सामने आया। उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जलंधर के दौरे पर आएंगे। पिछले दो हफ्तों के दौरान उन्होंने जलंधर के 7वां ते 8वां दौरा है। पिछले दिन ही मुख्यमंत्री ने फलौर के सस्ती रेत के लिए खड लोगों को समर्पित की और आज शिवरात्रि के मौके मंदिरों में मत्था टेकन आ रहे हैं। सीएम मान दो मंदिरों के नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं। पहला वो महालक्ष्मी मंदिर में मत्था टेकनगे, फिर उस तो बाद दोपहर में श्री देवी तलाब मंदिर में जाके पूजा अर्चना करेंगे। तो दस दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जलंधर के सांसद संतोख चौधरी का देहांत हो गया। इस तो बाद हुण जलंधर लोक सभा सीट खाली हो चुकी सीट ते जल्द ही उपचुनाव दा ऐलान होने वाला। इस तों पहलां भी जलंधर विच सियासी गतिविधियां वध गईआं ने। लोक मुख्यमंत्री दे इन्हां दौरिआं नूं लोक सभा उपचुनाव दे नाल जोड़ के वेख रहे ने। जलंधर दे विच लोक सभा उपचुनाव नूं लै के हालांकि अपना सांसद गुआ देण तों बाद पार्टी इन्नी सरगर्म नहीं है, पर भाजपा ने भी जलंधर विच गतिविधियां वधा दित्तीआं ने। सूबा लीडरशिप तों लै के केंद्रीय लीडरशिप तक अपने वर्करां नूं जथेबंदी करन दे लई दौरे ते मीटिंगां करन लग पए ने। सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा लगातार जलंधर दा दौरा कर रहे ने। हाल ही दे विच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भाजपा वर्करां दे नाल मीटिंग करन पहुंचे ने। उधर डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में लुधियाना स्थित कंपनी मैसर्ज SEL टैक्सटाइल लिमिटेड दी 828 करोड़ दी जायदाद अटैच कर लिया ने। अटैच जायदाद SEL टैक्सटाइल लिमिटेड दी अलवर हिसार श्री मुक्तसर साहब शहीद भगत सिंह नगर नवांशहर ते लुधियाना स्थित नैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी शामिल है। तुहानूं दस दें कि ईडी ने मैसेंजर SEL टैक्सटाइल लिमिटेड के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वल दर्ज की शिकायत आधार के उत्ते साल 2020 ब्यूरो ऑफ इनवैसटीगेशन के वलों दर्ज FIR आधार के उत्ते प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन मनी लॉन्डरिंग एक्ट 2002 दी व्यवस्थावां तहत अपनी जांच शुरू कर दी है। कंपनी के डायरेक्टर से 1530 करोड़ रुपए की लोन राशि की धोखादेही और हेराफेरी का दोष है। ईडी के वलों की गई जांच तो पता लगा कि मैसेजर्स SEL टैक्सटाइल लिमिटेड उसके डायरेक्टर ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगवाई वाले बैंकों के कस्टोरियम तो प्राप्त लोन राशि वक्त तरीकों द्वारा वरत के धोखे न डायवर्ट किया। अधिकारी ने दसा कि कंपनी के वलों लए गए लोन के नियमों और शर्तों की उलंघना के जिवें ही सहायक कंपनियों में किए निवेश माल से सेवावां की खरीद के बहाने संबंधित पार्टियां नूं कीते गए एडवांस पेमेंट जो कदे भी फिजिकल दे विच नहीं सन, व्यक्तिगत वरतों दे लई रिहायशी जायदाद खरीदना, विचोलिया राही मशीनरी दे आयात बदले कीते भुगतान जिस दे लई आयात 10 साल तों ज़्यादा बीती जाण तों बाद भी बकाया है, उसदा निर्यात आमदन की वसूली नहीं हुई। अधिकारी ने भी दस्सिया कि अगली जांच चल रही है ते जल्द ही वड्डे खुलासे होण दी संभावना है। उधर बीते साल मोहाली विखे इंटैलीजेंस हैडकुआटर से हुए RPG हमले के मामले में पंजाब पुलिस ने हाथ वड्डी सफलता लगी है। पंजाब पुलिस ने मामले के जुड़े एक होर मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मामले के गिरफ्तार किए गए 11वें मुलजम की पहचान गुरपिंदर उर्फ पिंदू वजो हुई है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव ने दसा कि मोहाली के इंटैलीजेंस हैडकुआटर विखे हुए RPG हमले के मामले के पंजाब पुलिस ने वड्डी सफलता प्राप्त कर दिया। गुरपिंदर उर्फ पिंदू को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने दसा कि गिरफ्तार किया गया मुलजम कैनेडा के अतवादी लखबीर सिंह लंडा का करीबी है। गिरफ्तार किया गया मुलजम पिंदू जो कि खेमकरन के पिंड भूरा कोना का वासी है, कैनेडा स्थित अतवादी लखबीर सिंह उर्फ लंडा नजदीकी साथी दस्या जांदा है। उक्त हमले के दौरान मुलजम निशान सिंह ते चढ़त सिंह दे लगातार संपर्क दे विच सी। DGP गौरव यादव ने दस्या है कि 25 अप्रैल 2022 नूं मुलजम चढ़त सिंह निशान सिंह ते बलजिंदर रैम्बो RPG ते असॉल्ट राइफल की खेप तरन तारण तों अमृतसर लैके आए सन। और इस खेप नूं अमृतसर के अल्फा मॉल नेड़े पिंदू के घर रख्या गया सी। उन्होंने अगे भी कहा कि दोषी ने उत्थे रात दोनों शूटर दीपक ते एक नाबालिग नूं अपने घर दे विच पनाह भी दित्ती सी। जिक्रयोग है कि मुलजम गुरपिंदर पिंदू की गिरफ्तारी दे नाल पंजाब पुलिस इस मामले दे विच हुण तक 9 मुलजमां नूं गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक होर मुलजम जो कि नाबालिग है उसते हमला करन विच शामिल सी उसनूं दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक होर मुलजम की पहचान दीपक कुमार वजो हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही दे विच गिरफ्तार किया जिसका नाल गिरफ्तारियां की कुल गिनती 11 हो चुकी है। इस तों पहला चढ़त सिंह निशान सिंह जगदीप सिंह बलजिंदर सिंह रैम्बो कवलजीत सिंह बाट
अनंतदीप सिंह सोनू, बलजीत कौर सुखी, लवप्रीत सिंह विक्की नूं पंजाब पुलिस ने पहला ही गिरफ्तार कर लिया। तो अंदाज है कि 9 मई 2022 नूं मोहाली दे विच इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर दे लगभग 7:45 एक आरपीजी हमला होया। इस हमले का मास्टरमाइंड अत्तवादी लखवीर सिंह लंडन दस्या जा रहा है ते उस दी गिरफ्तारी दी कोशिशां भी लगातार जारी ने। 15 फरवरी नूं NIA दे वल्लों अत्तवादी लखवीर सिंह लंडन नूं फड़न दे लई 15 लाख रुपए दे नाम दा ऐलान कीता गया। लखवीर सिंह संधू पंजाब दे तरनतारन जिले दे पिंड हरीके दा रहण वाला अते मौजूदा ओह कैनेडा दे विच लुकिया होया। एजेंसी ने भी दस्या कि लखवीर सिंह लंडा दा सुराग देण वाले दे नां गुप्त रख्या जावेगा। उधर दक्षिणी अफ्रीका तो 12 चीतियां लेके भारतीय हवाई फौज का जहाज C-17 ग्लोब मास्टर मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे पर पहुंचा। मध्य प्रदेश के सिंयोगपुर जिले स्थित कूनो नैशनल पार्क इन्होंने 12 चीतियां छड़िया जाएगा। इन्ह चीतियां के पहुंचने के नाल इस कूनो नैशनल पार्क के चीतियां की गिनती बढ़ के 20 हो जाएगी। ग्लोब मास्टर C-17 जहाज 12 चीतियां लेके भारत पहुंचे। जहाज ने ग्वालियर हवाई अड्डे से सवेरे 10 बजे लैंड किया। इस बार चीतियां के स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री भूपिंदर यादव, नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान प्रोग्राम के हिस्सा लेंगे। दक्षिणी अफ्रीका तो लियाए गए 12 चीतियां 7 नर 5 मादा चीते ने। इस तो पहला चीता पुनर्वास प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया तो आए 8 चीतियां पिछले साल 17 सितंबर अपने 72वें जन्मदिन मौके मध्य प्रदेश के कुनू नैशनल पार्क के एक बाड़े छड़िया, जिन्हों में 5 मादा 3 नर चीते सन। दरअसल भारत दक्षिणी अफ्रीका ने जनवरी दे विच अफ्रीकी देश तो चीतियां नूं लियाउण दे लई एक समझौता मंग पत्र दे दस्तखत वी कीते ने। दुनिया ने ज्यादातर 7,000 चीते दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया अते बोत्सवाना दे विच रहिंदे ने। नामीबिया दे विच चीतियां दी सब तो वध आबादी है। चीतिया एक मात्र अजिहा मांसाहारी जीव है जो कि वधेरे शिकार अते आवास की कमी के कारण भारत तों पूरी तरह लुप्त हो गया है। भारत विच आखिरी चीता 1948 विच छत्तीसगढ़ दे कोरिया जिले दे साल बंद विच मृतक पाया गया सी। उधर दिल्ली के निक्की यादव कतलकांड के मुख्य दोषी साहिल गहलोत तो इलावा पुलिस ने 5 होरां गिरफ्तार कर लिया। गहलोत के पिता भी साजिश के मदद करने के दोष में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस इस मामले में लगातार सबूत इकट्ठे करने भी लगी हुई है। पूरा सीक्वेंस कनैक्टेड किया जा रहा है। तुम दस दी कि साहिल गहलोत ने दिल्ली में अपने लिव इन पार्टनर निक्की यादव की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक साहिल ने उन्होंने सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने पहले भी दसा कि दोषी साहिल ने कत्ल के करीब 12 घंटे बाद 10 फरवरी सवेरे 9 बजे एक होर औरत दे नाल व्याह कर लिया ते अगले दिन वापस आके निक्की दी लाश नूं फ्रिज विच रख दिता। निक्की यादव कतलकांड विच वड्डा खुलासा करदे होए दिल्ली पुलिस ने कहा कि साहिल दा परिवार ते उसदे दोस्त भी कतल विच साजिश रचन विच शामिल ने। क्राइम ब्रांच ने पिता वरिंदर सिंह, भरा आशीष, नवीन, दोस्त लोकेश ते अमर नूं गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रां ने दस्सिया कि निक्की दे दोस्त दे चचेरे भरा ने उसदी लाश नूं फ्रिज विच लुकाउण च मदद कीती। इह वी खुलासा होया कि साहिल ते निक्की दा व्याह अक्तूबर 2020 दे विच नोएडा दे आर्य समाज मंदिर दे विच होया सी। साहिल दे परिवार वाले इस व्याह तों नाखुश सन, इस दे लई ओह निक्की नूं रस्ते तों हटाउणा चाहुंदे सन। साहिल दे परिवार ने दसंबर 2022 दे विच उहनां दा रिश्ता तय कीता ते लड़कियां तों छुपा लिया ते साहिल पहलां ही व्याहिया होया। पुलिस ने रिमांड दे दौरान साहिल अते निक्की दे व्याह दे सर्टिफिकेट भी बरामद कीते ने। इस नाल ही नाल खबरां दे इस बुलेटिन दे विच अज फिलहाल इन्ना ही। अपने दोस्तों तों दो इजाजत ते तुसीं जुड़े रहो SSN News ते नाल।